भिवंडी शहर के शांतिनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नकली जीरा बिक्री करने आए दो लोगों को पुलिस ने जाल बिछाकर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से अभी तक 11,19,700 रुपए कीमत के नकली जीरा व बोलोरो पिकअप बरामद किया है। भिवंडी पुलिस उपायुक्त नवनाथ धवले ने इस संबंध में पत्रकार परिषद आयोजित कर बताया कि शांतिनगर पुलिस थाने के पुलिस उप निरीक्षक एसएम घुगे व उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि शांतिनगर परिसर में दो लोग नकली जीरा बिक्री करने के लिए आ रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शंकर इंदलकर को उन्होंने इसकी जानकारी दी। शांतिनगर पुलिस स्टेशन के अंदर 24 तारीख को शांतिनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई इंदलकर, पीएसआई घुगे और उनके टीम को एक जानकारी मिली थी कि यहाँ पे बनावट जीरे का एक गाड़ी आने वाली है और उसमें बनावट जीरा है। उसी के तहत वहाँ पे हमने ट्रैप करके वो गाड़ी और जो बनावट जीरा है वो सीज किया है। उसके अंदर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में सेक्शन 420, 272, 273 और फूड एक्ट के तहत गुना दाखिल किया है। उसमें अब तक दो आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, उनको दो दिन की पुलिस कस्टडी है। और अब तक 3.5 टन जो बनावट जीरा है वो सीज किया हुआ है। इसकी मार्केट वैल्यू अराउंड 10 लाख रुपीज़ है। और अब तक के तपास में ये जो बनावट जीरा है वो बनाने के लिए वो गुजरात से रॉ मटेरियल आता था, और गुजरात से रॉ मटेरियल आने के बाद उसमें जो बड़ी शेप अपनी जो रहती है, हम सब खाते हैं, वो बड़ी शेप का जो पीछे वाली डंडी होती है उसको कलर कोटिंग करके या कुछ केमिकल मिक्स करके उसमें ओरिजिनल जीरा में मिक्स किया जाता था और वो पैरट कंपनी के नाम से मार्केट में बेचते थे। अब तक के तपास में मतलब दो आरोपियों को अरेस्ट किया है, आगे का भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। उन्होंने कहां कहां से और किनको किनको ये माल बेचा है और ये जो बनावट जीरा है पर्टिकुलरली जीरा राइस बनाने के लिए हम जो डेली सब्जी या कुछ खाते हैं उसमें भी वो जीरा यूज करते हैं। सर, ये पूरा माल कहाँ पर बनाते थे, कौन सी स्थान में लगे कर? और ये जो मनोर करके है पालघर में, वहाँ पे उनकी फैक्ट्री थी, वो भी हमने सीज की हुई है। वहाँ पे जो बनावट जीरा बनाने की जो मशीन है वो भी सीज की हुई है। सर, कितने दिनों की आरोपियों कितने दिन की? दो दिन की पुलिस कस्टडी आरोपियों के मिली हुई है। किस तरह से? और इसमें ये जो देखो, ये जो ओरिजिनल जीरा है और ये जो है जो मिक्स किया हुआ है, मतलब बनावट जो है वो दोनों मतलब पानी में डाला हुआ है। आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं जो कलर का है। और इसमें वो बनावट जीरा है उसका पैकेट है वो मतलब आता था। कभी कभी ओरिजिनल जीरा और इनका कलर थोड़ा अलग होता है, तो उसके लिए वो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर उनका यूज़ करते थे। वो केमिकल पाउडर है, कुछ कलर है, उसका यूज़ करके वो मिक्स करते थे और ये फिर उसका पैकिंग करते थे पैरेट नाम से, और ऐसा पैकिंग मार्केट में बेचते थे।